हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम राइस बैग से और जितने भी पुराने कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, हमारे जो नाइटी होते हैं उसके कपड़े हैं, तो उन सब से हम बनाएंगे यहाँ पर एक छोटा सा और अच्छा सा थैला। तो यहाँ पे मैं राइस बैग को पहले से काट रही हूँ। तो इसकी लंबाई है 22 इंच 22 इंच और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 19 इंच। इसकी लंबाई है 22 इंच और इसकी चौड़ाई है 19 इंच। तो अभी हम इसको एक बार फोल्ड कर रहे हैं। जो 22 इंच के साइड है उस साइड को लेकर हम फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फोल्ड कर देने के बाद इसको एक बार अच्छे से बराबर कर लेंगे। और फिर हम 22 इंच के जो ऊपर के साइड है उस साइड से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर के साइड हम 4 इंच निशान लगा रहे हैं, और इसकी तिरछी पट्टी मतलब साइड से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएँगे। जहाँ तक 4 इंच के निशान है वहाँ तक। अब यहाँ पे 2.5 इंच और 4 इंच जो है उसको बराबर कर लेंगे हम। यहाँ पे काट लेंगे उसको, जो 2.5 इंच का था वो उसको छोड़ देंगे, और बाकी उतने जितना इधर साइड है उस सब को हम यहाँ पे काट के निकाल देंगे। और सेम अभी इस साइड दूसरे साइड भी हमें वही उसे ही करना है। ऊपर के साइड 4 इंच और साइड में हम 2.5 इंच का लेंगे, तो उसको फिर मिलाकर हम 2.5 इंच तक रखेंगे, बाकी को हम काट के निकाल देंगे। काट कर निकाल देने के बाद जब इसको खोलते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये है। अब इसके ऊपर में हम जो हमारा ये पुराना नाइटी है इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये प्लास्टिक बोरे के साथ इसको हम अच्छे से जोड़ लेंगे चारों साइड में सिलाई करके। अब यहाँ पे हमें 2 पीस और लेना है। तो इसकी लंबाई है 21 इंच, उसकी लंबाई थी 22 इंच, तो उससे 1 इंच कम 21 इंच यहाँ पर, और इसकी चौड़ाई होगी 2.5 इंच। ये हमें 2 पीस लेना है, और इन दोनों पीस को जो यहाँ पे छोटे से बच्चे का ड्रेस है इससे हम निकालेंगे ये इसके में कपड़ा जोड़ने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने उस कपड़े को और इसको हम सिलाई कर दिए हैं एक साइड से, और एक साइड बोरी जो है वो वैसे ही रहेगा। आप चाहें तो उसमें लाइनिंग कपड़ा दे सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कपड़े को हमने सिलाई कर दिए हैं, और अभी जो ये छोटे पीस हैं इसमें हम लगाएँगे चेन। तो इसके बीचों बीच में दोनों साइड में चेन हम जॉइंट कर लेंगे, और यहाँ पे हम 2 रस्सी भी जो पकड़ने के लिए है उसको हमने बना लिया है। इसमें हमने अंदर में इसके बोरी डाले हैं और बाहर में जो कपड़ा है उसको। तो इसकी लंबाई हमने 15 इंच रखा है, 15 इंच, आप चाहें तो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो इसे हम अभी यहाँ पे सिलाई करेंगे। जो बड़े साइड का है उसमें हम 4 इंच पर निशान लगा रहे हैं दोनों साइड में, और 4 इंच में के बीचों बीच में 4 इंच के जो निशान है उसके अंदर की तरफ करते हुए हम यहाँ पे रस्सी जो है उसको जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा रस्सी जो है वो तैयार हो चुका है, और ये साइड जो है ये अब सिलाई करने के बाद ये 5 इंच हो गया है। तो इसको हम जो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का निशान लगा के काटा था, तो ये भी 5 इंच का है, उसमें हम जॉइंट कर लेंगे दोनों साइड से। इसको अब 5 इंच में जोड़ने के बाद ये देखिए इन दोनों पीसों को अब जोड़ना है। तो यहाँ पे जो कटा हुआ मार्क से यहाँ पे हम यहाँ से पकड़ेंगे, ऊपर के साइड से जो चेन की पट्टी है उसको छोड़ देंगे, और नीचे के जो कटा हुआ हिस्सा है वहाँ से हम स्टार्ट करते हुए इसे लेकर जाएंगे ऊपर की तरफ।
तो यहाँ पे हमारा एक साइड हो चुका है। अभी सेम जैसे ही हमने इस साइड को जोड़े हैं वैसे ही सेम दूसरे साइड को भी जॉइन कर लेना है। यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरे यहाँ पे सिलाई लगा देना है। उसके बाद हम सिलाई को लगा देने के बाद उसको उल्टा करके हम इसको अब सीधा कर लेंगे। जो उल्टा पीसेस के चारों कोने को हम अच्छे से निकाल लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से एक थैला बन जाएगा। इसमें आप मेकअप का सामान या कुछ भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसमें आप टिफ़िन बॉक्स जो है उसको भी पकड़ के ले जा सकते हैं कुछ भी। तो या अगर ये बैग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।